परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है उससे हमें 7 गुण प्राप्त होते हैं। उन गुणों के आधार से हम अष्ट शक्तियों को प्राप्त करते हैं, जिनमें से हमने 7 शक्तियां कर ली हैं। 8वीं शक्ति है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति के लिए चित्र में आप देख रहे हैं कि नदियां कहां कहां से पानी लेकर समुद्र में आती हैं और समुद्र सारे गंदे कचड़े को अपने अंदर समा लेता है, और जब समुद्र में ज्वार आता है तो अपने साथ हीरे मोती डालकर जाता है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा समझाते, बच्चे तुम्हें डस्टबिन नहीं बनना, जो कुछ भी तुम्हारे पास कोई भी आकर गंध उल्टी सीधी बातें सुनाए उसे अपने अंदर डंप कर दो, मर्ज कर दो, खत्म कर दो। और उससे बातें करते हुए उसे ज्ञान रत्न दो। ज्ञान रत्नों से उसकी सुंदरता बढ़ेगी, उसके जीवन में खुशियां आएंगी, उनको सुख मिलेगा। क्योंकि सारा संसार आज दुखी है, वह आकर अपना दुखड़ा रोएगा और आप उसको दुखों से मुक्त कर देंगे, उसके जीवन में सुख दे सकते हैं। परंतु कब? जब उस किचड़े को आप अपने में समा ले और उसने आकर आपको कुछ समाया सुनाया और आपने जाकर जिधर किधर इधर उधर सब उस बताया, तो उससे क्या होगा? वो गंध चारों तरफ फैलेगा और गंध फैलने से बीमारी बुराई फैलेगी। इसके लिए आप बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। गांव में कहा जाता है कि बुढ़िया चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, बुढ़िया चाहे तो घर को नरक बना दे। बुढ़िया की पदवी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ऐसी सहज नहीं होती। बुढ़िया एक ऐसा सदस्य होता है परिवार के अंदर जिसके साथ सभी लोग बात कर सकते हैं, किसी को पर्दा नहीं होता। पर तो बुढ़े से सबको पर्दा होगा, परंतु अल्टीमेट बुढ़िया से किसी को पर्दा नहीं होता, उससे सारे बात कर सकते हैं और वो सबकी सुने, एक की सुनकर दूसरे को, दूसरे की सुनकर तीसरे को लगाती रहे, सुनाती रहे, बताती रहे, तो घर नरक बन जाएगा। और वो जिसकी सुने उसकी बात को अपने में समाकर उसे एक अच्छी राय दे दे, जिसकी कमी हो उसको समझा दे कि तुम्हें ऐसे करना है, बजाय इसके कि वे उसकी गलतियां उसे बताए, उसको गलती ठीक करने की युक्ति बताए, तो घर श्रेष्ठ बन जाएगा, घर श्रेष्ठ बन जाएगा। इसी प्रकार बाबा कहते, बच्चे तुमने सबके किचड़े को अपने में समा लेना है, कोई भी किचड़ा आए उस पर अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, उस आत्मा को श्रेष्ठ मार्गदर्शन जरूर दे देना है, सन्मार्ग जरूर दिखा देना है। समाने की शक्ति वाले ही आगे दे सकते हैं, जिनमें समाने की शक्ति नहीं होगी तो आगे नहीं दे सकेंगे।
और ये हमें परम पिता परमात्मा से तब प्राप्त होती है जब हमें ये समझ में आ जाए कि मुझे अपना भाग्य श्रेष्ठ लिखना है। मैं जब तक अपना श्रेष्ठ भाग्य नहीं लिखूंगा, जब तक मैं बिंदी नहीं लगा सकता, सुनी हुई बातों को, देखी हुई बातों को, प्रैक्टिकल में आई हुई बातों को मैं बिंदु नहीं लगा सकता, समा नहीं सकता, तो मैं आगे दे भी नहीं सकता। और समाने का मतलब है जो कुछ भी आया वो अब है ही नहीं, है ही नहीं, एकदम मर्ज कर देना, दबा देना, ख़त्म कर देना, उसको फिर कभी संकल्प में भी नहीं लाना। यदि संकल्प में, बुद्धि में वो कीचड़ा आता रहेगा तो श्रेष्ठ भाग्य वर्तमान में लिख नहीं सके। ये समाने की शक्ति बाबा आकर हमें दिलाते हैं कि जब हम बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे, सर्वगुण संपन्न बनेंगे, तब शक्ति हमारे पास आएगी। और अच्छी तरह से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो 921310698 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।